Once more! सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो गाइज, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। ये जो ट्यून है ना गाइज, इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वगैरह अपलोड करते हो, तो इस ट्यून को लगाकर एक ऑसम से स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। तो अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, नहीं तो एक बार मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने पिन करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर एक बीट मार्क प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना होगा और एक प्रीसेट को इंपोर्ट कर लेना होगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। और गाइस, अगर आपको हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट से एक इफेक्ट XML वगैरह कुछ भी डाउनलोड करने में या इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ कि मेरे मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, एक बार जरूर जाके देख लेना। तो गाइस देखो, नीचे आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा और सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो गाइज, एक इमेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इधर जो है ना गाइज, आपको अपनी इमेज को सिर्फ फिक्स करना है, यानी कि ऐड करना है, और कुछ इफेक्ट वगैरह हम लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर देखो एक इमेज को हमने क्रॉप करना होगा। अगर क्रॉप नहीं भी करना चाहते हो गाइज, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस की ऑप्शन में क्लिक कर लेना, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पर सिंपली हमने इमेज को ऐड कर लेना होगा। यहाँ पर आप गर्ल्स बॉयज़ किसी की भी फ़ोटो से गाइज एडिट कर सकते हो। तो आपने देखा ही होगा, मैंने दो प्रीव्यू, एक बॉयज़ और एक गर्ल वाला दिखाया था। तो गाइज, जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हो गर्ल्स बॉयज़ का, यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक यहाँ पर फोटो को क्लिक करके ऐड कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। इतना छोड़ने के बाद अब हमने कुछ नहीं करना है गाइज, इसमें देखो कोई भी इफेक्ट भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर हमने सिंपली गया ना, और इस फोटो को क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को हमने फिलहाल के लिए यहां तक कर देना होगा, ठीक है। तो बस इतना ही करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे नीचे जो इमेज है, इसको क्लिक करके हमने डिलीट कर देना है। तो देखो गाइस, फर्स्ट स्टेप में हमारी कुछ इस तरह से यहां पे इमेज ऐड हो चुकी है। अब हमने करना कि इधर गाइज और भी 5-6 फोटोज़ को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लस पे क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाना होगा गाइज, और यहाँ पर सिंपली मैं गैलरी में आ जाता हूँ, ठीक है। और गैलरी से गाइज, यहाँ से सिंपली हमने क्लिक करके इमेजेस को ऐड कर लेना होगा। तो कुछ इस तरह से देखो गाइज, यहाँ पर मैं इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर हम इमेजेस को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट इमेजेस को फिर से ऐड कर लेना होगा। उसके बाद में गाइज, इधर फिर से आगे के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक कर लेना, मीडिया के ऑप्शन में आके फिर से गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट इमेजेस को ऐड कर लेना होगा। सो गाइज, कुछ इस तरह से आपने इधर भी ऐड कर लेना, फिर से आगे की तरफ क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर से गाइज यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और गाइज, यहाँ पर मैं उसी मॉडल्स की दूसरी फोटोज़ को क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पर क्लिक कर लेना, और गाइज यहाँ पर फिर से हमने इमेजेस को ऐड कर लेना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर इधर भी ऐड कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक कर लेंगे। फिर से गाइज, यहाँ पर एक इमेजेस को और मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करके फिर से गाइज इमेजेस को ऐड कर लेना, और गाइज एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हमने क्लिक करके इस वाले ऑप्शन में आके ट्रिम कर लेना, ठीक है। तो इतना कर लेना, फिर प्लस पे क्लिक करके एक और इमेजेस को हम यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं। और गाइज, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद में फुल स्क्रीन कर लेना, और यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के बाद में गाइज फिर से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना। सो गाइज, यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस को ऐड कर लिया है, और स्टार्टिंग में तो हमने इफेक्ट को ऐड ही कर दिया था। अब हमने करना क्या, एक प्रीसेट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्रीसेट को भी इंपोर्ट कर लेना। तो देखो, मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रीसेट मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर एक फोटो मिल जाएगा नीचे में, टैप कर लेना, इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, बैक होकर अपना उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। अब जितने भी फोटो हैं, सभी फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, इधर भी क्लिक करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना,
इधर भी क्लिक कर लेना गाइज ओके। और यहाँ पर गाइज सभी फोटोज पे आपने एक ही जो इफेक्ट है इसी को गाइज ऐड कर देना होगा ठीक है। तो गाइज ये एक ही इफेक्ट को हमने सभी फोटोज पे अपनी ऐड कर लेना होगा। तो फाइनली यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है गाइज। ऐड करने के बाद अब हम फिर से बैक हो जाएंगे और प्रीसेट में आएंगे, ऊपर चार इफेक्ट मिल जाएगा आरजीबी नाम का, तो एक को सिलेक्ट करना, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों को सिलेक्ट करने के बाद में प्लस पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना और अपने बीट मार्क में हमने आ जाना होगा। अब स्टार्टिंग में ही प्लस पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना और इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ है गाइज। अब यहाँ पर फाइनली हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह का वीडियो आप भी बहुत इजीली बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और गाइज फाइनली इस वीडियो को हमने फिर से गैलरी में एक्सपोर्ट करके सेव करना है, तो यहाँ पे इस वाले शेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लेना और एक्सपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सो वीडियो कैसा लगा गाइज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जैसे शेयर करना। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।